तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत, चलिए इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। लोग पानी लेने का प्रयास कर रहे हैं तो लोगों को बताने की आवश्यकता कि उस पानी को गर्म करके ही वे सेवन करें। कोई पेट जनित बीमारी नहीं होगी, कोई जल जनित बीमारी नहीं होगी, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होगी जो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए काल जानलेवा बन जाए। इसलिए भाइयों बहनों, ये जागरूकता का एक विशेष अभियान, स्वच्छता के अभियान के साथ छिड़काव के कार्यक्रम को, मेलाथियन का छिड़काव हो, एंटी लार्वा डस्ट का छिड़काव हो, जगह जगह इस अभियान को आगे बढ़ाना, तेजी के साथ आगे बढ़ाना। नगरीय क्षेत्रों में लगातार फॉगिंग की कार्रवाई भी इसके साथ, स्वच्छता के साथ जुड़ती रहे, तो कार्य होंगे इससे। एक तो बरसात के समय अगर नाली नाले सब साफ साफ सुथरे हैं तो जल जमाव नहीं होगा। गांव हो या शहर, जल जमाव की समस्या नहीं होगी। जल जमाव नहीं होगा तो मच्छर नहीं होंगे, डेंगू नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां नहीं होंगी। अगर बच्चा स्वस्थ है, प्रत्येक नागरिक स्वस्थ है, तो वह केवल व्यक्ति नहीं, परिवार स्वस्थ होता है। परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ होता है, समाज स्वस्थ होता है तो प्रदेश स्वस्थ होता है। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अगर अपने के लिए स्वास्थ्य का एक निश्चित मानक तय कर देता है तो याद रखिए, यह भारत के स्वास्थ्य इंडिकेटर को और नई ऊंचाइयां प्रदान करता है और उसमें हम सबका सामूहिक योगदान होना चाहिए।